बस आखिरी मिनट का तैयारी हो गया है। लास्ट 6 महीने से लद्दाख सीरीज का एडिट करते हुए साइमल्टेनियसली इस ट्रिप का प्रिपरेशन लेता गया। ऐसा दो कंट्रीज जो आप और मेरे जैसा ट्रैवल लवर्स जिंदगी में एक बार जाने का ख्वाहिश रखता है। वाइल्ड लाइफ, कल्चर, एडवेंचर एक्टिविटीज, म्यूजियम, जू, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, स्काई गेजिंग, जियो थर्मल एक्टिविटीज, साउदर्न एल्प्स, स्नो कैप्ड पीक्स, क्या नहीं है ये दोनों कंट्री मिला के। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एक ही साथ दोनों कंट्रीज का ट्रिप करने वाला हूँ, वो भी 29 डेज के लिए। अभी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर कंप्लीट डे वाइज टूर प्लान शायद यूट्यूब में सर्च करके नहीं मिलेगा, जिसमें फ्लाइट से लेके इंटरनल ट्रांसपोर्ट, होटल, फूड, एडवेंचर एक्टिविटीज, साइट सीइंग, वीजा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, कौन सा सिम नेटवर्क लेके घूमना है। अगर आप मेरे चैनल में पहले से हो तो लद्दाख और एवरेस्ट बेस कैंप सीरीज देख के पता चल ही गया होगा कि मैं सिर्फ ट्रैवल के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ही बनाता हूँ। यह ट्रैवल सीरीज के एंड में भी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वीजा कैसे अप्लाई करना है सारा इन्फॉर्मेशन के साथ एक सेपरेट एडिशनल वीडियो आएगा, साथ में ही ट्रिप का टोटल बजट एक्सपेंसेस के ऊपर भी एडिशनल वीडियो रहेगा। जर्नी शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रियलिटीज। आप लोगों ने कभी सोचे है फॉरेनर्स क्यों नहीं डरते? वो जनरली ट्रैवल एजेंट नहीं लेता है और आराम से बैकपैक करके कहीं भी घूमने निकल जाता है कोई भी देश में। लेकिन हम इंडियंस का 100 में 80 लोगों को ये डर सताता रहता है कि अगर दूसरे देश में जाऊंगा तो कहां घूमूंगा, कैसे ट्रांसपोर्ट लूंगा, किसी से बात कैसे करूंगा, साइट सीइंग एक्टिविटीज के लिए निकलना, रास्ता में पहचानता नहीं हूं। और इसी डर के चक्कर में हम दे देते एक मोटा सा अमाउंट ट्रैवल एजेंट को। ट्रस्ट मी, ये सीरीज में इतना बारीकी से दिखाऊंगा आपको एंड में लगेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड घूमना इंडिया घूमना जैसा ही इजी है। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा लेवल तक चला जाएगा कि आप बिना ट्रैवल एजेंट का ही ये दोनों कंट्रीज कवर कर लोगे। क्यों ट्रैवल एजेंसी या गाइड को पैसा देना जहां पर आपका खर्चा डबल हो जाएगा लेकिन आपका फ्रीडम जीरो? इतना सारा जगह ये दोनों कंट्री में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आइटिनरी के हिसाब से जो बजट में मैं घूमूंगा आप सारे रेपुटेड ट्रैवल एजेंसी के साथ वही आइटिनरी कंपेयर कर लीजिएगा, आपका खर्चा डबल हो जाएगा। हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ना जैसा ही इजी है वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी। वीडियो प्रोबेबली वंस इन अ वीक रिलीज होगा क्योंकि मैं सर्विस करता हूँ, लाइफ में बिजी हूँ, सही से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पार्ट बनाने में टाइम लगता है। लोग खुशी खुशी अपना ट्रिप शुरू करता है लेकिन मैं इस बार अपना जर्नी शुरू कर रहा हूँ बहुत दुख के साथ, क्योंकि मैं अपना ड्रोन नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरा फैलकॉन जो कि गजब का एरियल फुटेज लेता है, आप अगर लद्दाख सीरीज देखोगे तो पता चल ही जाएगा। नहीं ले जाने का कारण ये है जो साइट सीइंग प्लेसेस मैं विजिट करूंगा मैक्सिमम जगह में ड्रोन अलाउड नहीं है। अगर वहाँ का लोकल अथॉरिटी ऑब्जेक्शन देता है और पुलिस चला आता है तो मैं चला जाऊंगा जेल में या पड़ेगा मेरे ऊपर एक बड़ा सा फाइन, और दूसरे देश में जाके ऐसा प्रॉब्लम में कोई भी फंसना नहीं चाहेगा। सच मानिए ये एक ही दुख मैं अपने मन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। बैग में मैं ऑलरेडी पैक कर चुका था लेकिन थॉरली स्टडी करने के बाद मुझे ड्रोन बाहर निकलना ही पड़ा। सिर्फ 3 या 4 स्पॉट्स के लिए इसको रिस्क लेके क्यों कैरी करूंगा? सुबह शूट कर रहा हूँ और आज रात निकल रहा हूँ। ट्रिप आइटिनरी अगर थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, यहाँ से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहाँ पर 14 डेज घूमने के बाद में जाऊंगा न्यूजीलैंड, 13 डेज वहां घूमूंगा, फिर इंडिया लौटने से पहले 1 दिन स्टॉप ओवर मेरा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में फिर से रहेगा क्योंकि न्यूजीलैंड से इंडिया आने का डायरेक्ट फ्लाइट मुझे नहीं मिला। बस आज से हर हफ्ते एंजॉय कीजिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर एक इंफॉर्मेटिव ट्रैवल सीरीज। चलते हैं, आ गया है ओला। वैसे तो रात 12 बजे के बाद का फ्लाइट है लेकिन अभी निकल गया हूँ क्योंकि एयरपोर्ट में जाके ब्लॉगिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। गोप्रो को सर पे माउंट कर लिया हूँ ताकि जितना सारा हैंड्स फ्री शॉट हो सके मैं इजीली ले पाऊँ। पता नहीं ऐसे एयरपोर्ट में घुसना अलाउ है कि नहीं लेकिन देखेंगे। घर से बस आधा घंटा लगा, एयरपोर्ट पहुंच ही गए, सब कुछ सही रहा तो 1 महीने बाद वापस आएंगे। नया फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है डीजी यात्रा, लेकिन मैंने इसमें रजिस्टर नहीं किया। कितना हुआ? 377। ठीक है, लगेज उतार के देता हूँ, थोड़ा डिक्की खोल दीजिए। थैंक यू भैया, 400 ले लीजिए आप। ट्रिप का पहला खर्चा घर से कोलकाता एयरपोर्ट तक आने के लिए 400 रुपए। भाई मेरा फ्लाइट एयर एशिया AK-62 कुआलालंपुर H12 एयर एशिया कुआलालंपुर। फ्लाइट है पर्थ तक, मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया SMPNR। मैंने वेब चेक इन कर लिया है 9:30 बजे के बाद। अभी तो लगेज ड्रॉप करने नहीं दिया, भूख लग गया, चिकन चिली मोमो ऑर्डर किया, 415 रुपीज, बाहर में मिलता है अराउंड 200-250 रुपीज में, डबल रेट।
कोई भी कंट्री घूमने से पहले उसका बैकग्राउंड थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जान लेना सही होता है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड 6th हाईएस्ट कंट्री बाय एरिया, वन ऑफ द मोस्ट मेगा डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट लैंडफॉर्म, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना, आइलैंड, वेरिएबल क्लाइमेट और अलग अलग तरीके का लैंडस्केप आपको दिखने को मिल जाएगा थ्रू आउट द कंट्री। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में है इंडियन ओशन और ईस्ट साइड में पैसिफिक। नेशनल कैपिटल है कैनबेरा और पॉपुलेशन 2,72,00,000 एज कम्पेयर टू इंडिया 140 करोड़। पॉपुलेशन का 44% क्रिश्चियन और 39% कोई भी रिलीजन में विश्वास नहीं करता है। एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्ल्ड रैंकिंग में काफी ऊपर आता है। मेजरली ऑस्ट्रेलिया को 6 स्टेट में डिवाइड किया गया है, 7 में 10 टेरिटरीज। 6 स्टेट्स में आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का रैंकिंग 40 है टूरिज्म इनफ्लो में। और जितना सारा देश से यहाँ पर टूरिस्ट आता है उसमें से इंडिया का रैंक 6th में है। सोचिए कितना सारा टूरिस्ट इंडिया से ऑस्ट्रेलिया घूमने जाता है। और मेजरली 3 टाइम जोन फॉलो किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से 8 घंटा आगे है। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम जो भी चाहे आप कह सकते हो। ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम GMT से 9.5 घंटा आगे है। फाइनली ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम GMT से 10 घंटा आगे। यहाँ से मैं पहले जाऊंगा पर्थ जो ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न एरिया में आता है। इंडिया GMT से 5.5 घंटा आगे, मतलब इंडिया और पर्थ के टाइम में 2.5 घंटे का फर्क। तीनों टाइम जोन फॉलो होता है विंटर सीजन में। इंडिया में जब समर चलता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विंटर, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में समर आता है वहाँ पर टाइम जोन बढ़ के 5 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक और प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, डेलाइट सेविंग टाइम DST। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन में समर सीजन के टाइम October 1st Sunday रात 2 बजे घड़ी का काटा 1 घंटा फॉरवर्ड कर दिया जाता है रात 3 बजे तक। जब समर सीजन खत्म होता है अप्रैल महीने में 1st Sunday रात 3 बजे से घड़ी का काटा पीछे कर दिया जाता है रात 2 बजे तक। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डेलाइट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो लोग करना चाहता है। एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स और कुछ सारा सर्विस वो लोग दे पाता है जो कि उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी फायदा देता है। बाकी सारा रीजन में डेलाइट सेविंग टाइम फॉलो नहीं होता है जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर इन सब परेशानी में आपको पड़ना नहीं है तो गूगल कर लीजिए, कोई भी सिटी में लैंड होने से पहले वहाँ का टाइम जोन के हिसाब से घड़ी का टाइम सेट कर लीजिए, नहीं तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका मिस हो जाएगा या बहुत जल्दी आप पहुँच जाओगे। मैंने मोबाइल में दोनों ही कंट्री का टाइम लगाया है। यहाँ पर अभी 7:30 बज रहा है शाम को, पर्थ में ऑलमोस्ट 10:30 बजे टाइम, तो 2.5 घंटे का डिफरेंस है। फिलहाल तो RT-PCR टेस्ट वगैरह कुछ लगता नहीं है, कोविड के टाइम में ये सब मैंडेटरी था। सिर्फ मैं कोविड सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, वीजा, पासपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज करा लिया था थॉमस कुक से। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का फ्लाइट कितना महंगा है, 40,000-45,000 तक भी जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने AirAsia का फ्लाइट बुक किया है। लो बजट कैटेगरी में आता है। हाँ, उतना कम्फर्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इवन जो मैं बुकिंग किया था उसमें चेकिंग लगेज भी अलाउड नहीं है, सिर्फ 7 kg का कैरी ऑन लगेज अलाउड है। और ये चेकिंग लगेज मैंने एक्स्ट्रा पे करके ऐड किया था, फिर भी बाकी सारा महंगा फ्लाइट से मेरा फ्लाइट फेयर बहुत कम हुआ है। यहाँ से मुझे पहले फ्लाई करना है कुआलालंपुर, वहाँ पर स्टॉप ओवर है 6 घंटे का, पहले 2.5 घंटे का स्टॉप ओवर था। दूसरा लेग का जो फ्लाइट है कुआलालंपुर से पर्थ का वो कैंसिल हो गया, 4 घंटे बाद का एक फ्लाइट में मुझे अकोमोडेट कर दिया है, रात 8 बजे पहुंच जाऊंगा पर्थ। आप इंडिया का जो भी शहर से हो कोशिश कीजिए लो बजट एयरलाइंस पकड़ने की जैसे AirAsia। हमेशा एयरलाइंस का ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपका टिकट काटिए। कोशिश कीजिए अगर आपका ले ओवर है दोनों ही लेग ऑफ जर्नी सेम एयरलाइंस का हो, पहला फ्लाइट अगर आपका लेट करे या कुछ प्रॉब्लम हो दूसरा फ्लाइट आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ट्रैवल प्लान थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जाऊंगा पर्थ, उसके बाद एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी, कैंस, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, वहां पर जाके मेरा ऑस्ट्रेलिया ट्रिप खत्म होगा। फिर जाऊंगा न्यूजीलैंड, उसका ट्रैवल प्लान के बारे में आगे बताऊंगा जब मेरा ऑस्ट्रेलिया ट्रिप खत्म होगा। मुझे 3 साल का टूरिज्म वीजा मिला है विद मल्टीपल एंट्री, 3 साल तक मैं कितना बार चाहू जा सकता हूँ। हर एक एंट्री में मैं 3 महीने तक मैक्सिमम रह सकता हूँ। वीजा का कोई स्टिकर पासपोर्ट पे नहीं लगा है क्योंकि मैंने ऑनलाइन वीजा अप्लाई किया था। वीजा जो है वो डिजिटली पासपोर्ट के साथ लिंक हो जाता है, जब भी इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा पासपोर्ट स्कैन करेगा मेरा सारा डिटेल्स उसको दिखाई देगा। टूरिज्म वीजा कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ मैं एडिशनल वीडियो लाऊंगा सीरीज के बाद। बैगेज ड्रॉप करके सिक्योरिटी चेक इन कर लेते हैं। AirAsia to Kuala Lumpur. You have I have done. Shall I wait? No, please come. बैगेज ड्रॉप के टाइम में तो कैमरा बंद कर देने बोला, पेपर बोर्डिंग पास अभी दे दिया है फिर से। सिक्योरिटी चेक इन कर लेंगे तो कैमरा को खोल के रखना पड़ेगा। 80,000 mAh का पावर बैंक है मेरे पास, साथ में एक और 20,000 mAh का मोबाइल, एक्शन कैमरा, उसका स्पेयर बैटरी, कुछ भी चेक नहीं किया, जल्दी जल्दी हो गया। फटाफट डिनर करेंगे, लेट्स फ्लाई टू कुआलालंपुर।
माय फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी। कुलचा मील फॉर डिनर, 3 कुलचा, चिकन दाल 550 रुपीस। लूट लिया लूट लिया। अगर कभी गला कटवाने का शौक हो तो एयरपोर्ट में आके डिनर कीजिए, पता चल जाएगा गला कैसे काटा जाता है। उस 4 घंटे का फ्लाइट है यहाँ से कुआलालंपुर, इंडियन टाइम में 4:30 बजे लैंड कर जाएगा, मलेशियन टाइम में 7 बजे। कुआलालंपुर जीएनटी से 2.5 घंटे आ गए है। लद्दाख से ऑस्ट्रेलिया चले जा रहा हूँ, लेकिन कोक के ऊपर ये जो मेरा प्यार है ये गया नहीं अभी तक। रात के 1:30 बजे कोक पी रहा हूँ, पानी का बोतल भी खरीदना पड़ रहा है, 4 मलेशियन रिंगिट। कोक पीने के बाद एक मस्त नींद देंगे अभी आराम से 2-3 घंटे। वॉशरूम में जाऊंगा और मुंह हाथ धोलूंगा, बहुत देर वेट करना है। एग्जिट नहीं करूंगा इमिग्रेशन से, अराइवल हॉल के अंदर ही रहूंगा क्योंकि 1:30 बजे का फ्लाइट है नेक्स्ट पर्थ का। I have a flight to Perth around 1:30 p.m. What's my body pass? Yes, I have. This way, right? AK0604 Perth, P11. Malaysia ने Indians और Chinese वालों के लिए 31st December 2024 तक free visa announce किया है। जब मैं return आऊँगा India, तब आधा दिन का पूरा time है, कोशिश करूँगा तब Malaysia explore करने की। अगर आप अपने मैडम के साथ आते हो तो ये सब जगह से थोड़ा दूर रखिएगा, नहीं तो असली जगह घूमने से पहले ही आप आधा लूट जाओगे। शानदार एयरपोर्ट है। कुछ देर यहाँ पर रेस्ट ले लिया, नींद आ रहा था जबरदस्त, लास्ट फ्लाइट में उतना सही से मैं सो नहीं पाया। पता नहीं कैसे मेरा पावर बैंक का चार्ज पूरा ड्रेन हो गया है। बोर्डिंग से पहले अगर कुछ टाइम मुझे मिल जाता है कहीं पे, देखता हूँ चार्ज में बिठाने के लिए। पावर बैंक अगर फुल चार्ज नहीं रहेगा तो मैं सारा डिवाइस रास्ते में कैसे चार्ज करूंगा। ये गोप्रो ड्रेन हो रहा है, फोन में भी चार्ज देना पड़ रहा है, हो गया कांड। सिक्योरिटी चेक इन कर रहा था और मेरा 80,000 mAh पावर बैंक इन लोगों ने कॉन्फिस्केट कर दिया। अकॉर्डिंग टू रूल्स 100 वाट आवर के ऊपर पावर बैंक कैरी करना अलाउड नहीं है। मैंने उनको समझाया कि कोलकाता से भी तो यहाँ तक आया, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट था। उन्होंने बताया वो लोग शायद सही से चेक नहीं किया, और ये बात सही है, मैंने चेक किया, ऑफिशियली वो लोग करेक्ट है, अपना ड्यूटी कर रहा था। मेरा 80,000 mAh पावर बैंक गया इनके हवाले। अभी मेरे पास सिर्फ 20,000 mAh पावर बैंक एक है जिससे मैं सारा डिवाइस चार्ज नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी कहीं ना कहीं से 20,000 mAh का छोटा पावर बैंक खरीदना है, यहाँ से या ऑस्ट्रेलिया से। इससे पहले यही 80,000 mAh पावर बैंक लेके मैं कहाँ कहाँ ट्रेवल नहीं किया, नेपाल गया, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक में गया, एयर इंडिया में चला, सारे जगह में अलाउ किया। ये बात सही है, ये लोग गलत नहीं है, पहले जब मुझे अलाउ किया था वो गलत था। 80,000 mAh इज वे अबव 100 वाट आवर पावर, 20,000 mAh पावर बैंक से ऊपर मत लेके जाइए सेफ साइड में। जल्दी से भागते हैं P11 गेट तक, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है। पावर बैंक खरीद लेता तो अच्छा होता है, 80,000 mAh का पावर बैंक 3 साल पहले खरीदा था।
Do you have power bank 20,000 mAh? दो पावर बैंक 20,000 40,000 का खरीद लिया, 6,800 रुपए का फटका लग गया। अनप्लैंड थिंग्स हैपन। फ्लाइट में बैठे बैठे एक और नुकसान हो गया। इंस्टा 360 का चार्जिंग कंपार्टमेंट का डोर खुल के कहीं नीचे गिर गया। बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। यहाँ से अगर मॉइस्चर वगैरह घुस गया तो ये कैमरा गया। प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होता है, एक सॉल्व करता हूँ दूसरा आ जाता है। इमिग्रेशन पैसेंजर कार्ड आ गया है। इमिग्रेशन के टाइम में ये वाला जो मैं फिलअप करूंगा डिक्लेरेशन, ये चेक किया जाएगा। कोई भी गलत डिक्लेरेशन अगर पकड़े गए तो बड़ा पेनल्टी लग सकता है। इन विच कंट्री डिड यू बोर्ड दिस फ्लाइट और शिप? व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, योर इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, माइग्रेटिंग परमानेंट टू ऑस्ट्रेलिया? ये तो क्रॉस नो डालूंगा। सर नेम, गिवन नेम्स, पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट नंबर, इंटेंडेड एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया। बर्थ का एड्रेस डाल दूंगा क्योंकि मैं अलग अलग जगह घूमने वाला हूँ, सारा एड्रेस को नहीं डाल सकता इसमें। डू यू इंटेंड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर नेक्स्ट 12 months? नो। कुछ सारा चेकलिस्ट है। डू यू हैव ट्यूबरक्लोसिस, क्रिमिनल कन्विक्शन, गुड्स दैट मे हैव बीन प्रोहिबिटेड? ये सारा चीज को नो ही डालिएगा अगर आप आते हो। फॉरेन करेंसी कैरी करने का इंडियन का लिमिट है $3,000 का इक्विवेलेंट आप जिस भी देश में जा रहे हैं। इंडियन वैल्यू में आपका कार्ड में ज्यादा बैलेंस हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर आप $10,000 से ज्यादा कैरी कर रहे हो पर पर्सन, तो यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। मैं $5,000 कैरी कर रहा हूँ। सीड्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब चीज कैरी करना पड़ा है। नो ही क्लिक कीजिएगा और लाइएगा मत गलती से भी। लास्ट दिन कुल्चा खा के एकदम पेट भर गया है, इसलिए आज लंच करने का जगह भी नहीं है। केविन लाइट डिम कर दिया गया है। बर्थ पहुंचने ही वाला हूँ, जस्ट 15-20 मिनट में ही लैंड कर जाएगा। सुपर एक्साइटेड। फ्लाइट से उतरने के बाद कुछ सारा काम बैक टू बैक स्केड्यूल्ड है। सबसे पहले तो इमिग्रेशन क्लियर करना है, फिर बैगेज लेना है, सबसे वाइटल थिंग सिम लेना है। 13-14 दिन जो ऑस्ट्रेलिया में मैं घूमूंगा, घर के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, रास्ते में इंटरनेट यूज करने के लिए क्योंकि मैप मुझे यूज करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए, ये सारा चीज के लिए नेटवर्क जरूरी है। ऑप्टस का सिम लूंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कार्ड लेना है, स्मार्ट राइडर कार्ड, उसके बारे में आगे जाके बताऊंगा। उतरने के बाद वाटर बॉटल खरीदना है, डिनर अरेंज करना है, होटल जाना है। होटल पहुंचते पहुंचते आज लेट हो जाएगा। फ्लाइट बहुत फास्ट डिसेंड हो रहा है, इसलिए एयर में इक्विलाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है। सब भागते हैं बैगेज लेने, और इमिग्रेशन में भी लंबा लाइन पड़ जाएगा आई थिंक। अभी सिम ले लेता हूँ। ऑप्टस, यस ऑप्टस। I need a SIM with data package. What are the facilities available? If you're 35, you get 90 gigabytes of data. 800 minutes international call. And what will be the validity? 28 days. Yeah. I need to sign here? No, just need your email. Email ID, okay. This SIMs are pre-activated, right? I mean, I can use the internet right now. Yes, Optus. And this is your Australian number if someone needs to ring you in Australia. जैसे आप arrive करेंगे, try Optus, the best solution for you. $35, incredible 90 GB package, 800 minutes call time, including India, 20 countries included. SIM तो मिल गया है, खरीदना है. Smart Rider card. Smart Rider card is available here. Yes. I need to buy that.
Today train is not running from airport central station. Giant screen, it is written, time is not available. How much is the card? Itself is $10 and you have to put like $10 minimum when you first get a card. It will be activated immediately, right? Yeah, the card is not refundable and Sunday is free. Thank you. अराइवल से बाहर निकलने के बाद ही एक बैगेज काउंटर है जहां पर आपको ये स्मार्ट राइडर कार्ड मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप पकड़ना चाहते हैं। दिस इज द स्मार्ट राइडर कार्ड। ये मुझे बिल भी मिल गया है। कार्ड फी $10, टॉप अप $15, ट्रेवल क्रेडिट। ये $15 से मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। 9:22 का बस है और मेरे पास अभी सिर्फ 6-7 मिनट है पहुंचने के लिए। गूगल मैप में मैंने सर्च कर लिया प्रेजेंट लोकेशन से माउंट वे हॉलीडे अपार्टमेंट, बस नंबर 902, फिर एक्सचेंज आएगा रेड कैट बस। ये आ गया एग्जिट, स्टॉप इस तक आ गया हूँ। इस दिस द स्टॉप ऑफ बस नंबर 902? 902 नियर टू कम। Yeah. Thank you. I am new here. That's why I am asking. Stop number 27377. Bus आ गया Perth City 902. देखिए ऑस्ट्रेलिया में अगर बजट में घूमना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़कर और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। ऑलमोस्ट सारे सिटीज में उबेर अवेलेबल है। पर्थ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मैनेज्ड बाय ट्रांसपर्थ नेटवर्क जिसके अंडर बस, ट्रेन और फेरी भी आता है। आप चाहे तो कैश में भी पे कर सकते हो, नॉट नेसेसरी आपको कार्ड ही लेना है, लेकिन कैश फेयर ज्यादा है। कार्ड में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और हैसल फ्री ट्रांसफर है। अभी आपने जो देखा मैंने चारा, अगर मुझे ड्राइवर को कैश देना होता तो मुझे एग्जैक्ट फेयर टेंडर करना पड़ता। कार्ड मैंने सिंपल हमारे देश में जैसा मेट्रो चलता है दिल्ली कोलकाता में टैग ऑन किया और उतरने के टाइम में टैग ऑफ कर दूंगा, इसमें जो बैलेंस है कट जाएगा। कार्ड का चार्जेस है $10, मिनिमम टॉप अप है $10, आप चाहे $15 $20 उसके ऊपर आप कर सकते हो रिचार्ज। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क CBD एरिया में टोटली फ्री है। मैप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। नेटवर्क टोटल 9 जोन्स में डिवाइडेड है। एक दिन में आप कितना भी दूर जाओ, जोन 1 से अगर आप जोन 9 तक भी चले जाओ तो भी आपको सिर्फ 2 जोन्स का ही पेमेंट करना होगा, क्योंकि उसमें कुछ फ्री ट्रांसफर टाइम रहता है। संडे पर्थ में कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इसका फैसिलिटी मुझे कल मिलेगा जब मैं अपना सारा एक्टिविटी साइट सीइंग प्लेसेस देखने निकलूंगा। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है, कैश से पेमेंट करेंगे तो संडे में भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट हो और एक दिन ही पर्थ में रहना चाहते हो और वो संडे नहीं होता है, डे पास भी खरीद सकते हो, $10.6 के आसपास कुछ आता है। अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से पकड़ो? गूगल मैप तो आप सब लोगों को यूज करना आता है। दिखा दिया कि मुझे कितना मिनट पैदल चलना है, कौन सा बस स्टॉप तक, नेविगेशन को फॉलो करते हुए बस स्टॉप तक आया, चेंज करके दूसरा बस पकड़ूंगा, होटल के पास जाके उतरूंगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गूगल मैप फॉलो कीजिए। जो बस नंबर या ट्रेन आपको रिकमेंड कर रहा है वहां तक आप जाइए, गूगल मैप का नेविगेशन देख के और चढ़ जाइए। क्यों आप कैब लेके घूमेंगे? क्यों ट्रेवल एजेंट को पैसा देना? अगर इतना चीप में आप घूम सकते हो, आप कैब में घूम के देखिए सारा एक्टिविटी, सारा साइट सीइंग प्लेसेस कितना डॉलर आपका निकल जाएगा। $100-$200 आपका निकल जाएगा, मैं कम बोल रहा हूँ। गूगल मैप के हिसाब से मुझे ये 902 वाला बस वेलिंगटन स्ट्रीट में छोड़ देना है और वहाँ पर बस स्टॉप चेंज करके मुझे दूसरा बस पकड़ना है। यहाँ पर सिटीजन वेलफेयर बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया जाता है। अगर किसी का ड्यूटी टाइम हो गया है तो वो घर चला जाएगा। होटल में इंडिया में जैसे 24 आवर्स कोई ना कोई रिसेप्शन डेस्क में रहता है अगर गेस्ट आता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। जो चेक इन टाइम है उसके बाद आप अगर आते हो तो पहले से मैसेज करके रखना होगा, वो लोग लॉकर में आपका की रखेगा, शेयर कर देगा, आपको सेल्फ चेक इन करना पड़ेगा। रिसेप्शन में कोई रहेगा नहीं आपका होटल में चेक इन कराने के लिए। मेरा पर्थ का होटल सीबीडी का नजदीकी है, एलिजाबेथ क्वे से ऑलमोस्ट 7 to 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस में। क्रॉसा खरीद लिया था एयरपोर्ट से, खाने का टाइम नहीं मिला, इतना हड़बड़ी में था। $18 लिया एक क्रॉसा। अपने देश से कितना दूर आ गया हूँ यार। रेड कैट नंबर 2 वेस्ट पर्थ। आप गूगल मैप के हिसाब से मुझे 6 मिनट पैदल जाना है होटल तक। 21 डिग्री टेम्परेचर है पर्थ में एट प्रेजेंट। रोड क्रॉस करने के लिए ऐसा बना के छोड़ दिया है, ये बटन दबाना है अगर आपको क्रॉस करना है। बस दबा के आप छोड़ दो, वहाँ सामने जैसे ही ग्रीन आ जाएगा सिग्नल आप क्रॉस कर सकते हो। सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ। सामने वाला है मेरा होटल माउंट वे हॉलीडे अपार्टमेंट। लेट चेकिंग करूंगा ये मैं पहले से इन्फॉर्म करके रखा था। रिसेप्शन
आपने मुझे booking.com में मैसेज किया है, रिसेप्शन के लेफ्ट में एक क्रीम कलर का डोर, वहाँ पर मेरे नाम का एनवेलप रहेगा। ये देखिए अभिषेक दे की सब कुछ इसके अंदर है। टेक ओनली योर एनवेलप, नंबर ऑफ अपार्टमेंट इज ऑन द की टैग, फर्स्ट डिजिट ऑन द नंबर ऑन योर की टैग इंडिकेट्स फ्लोर, यूज द की इन द टॉप लॉक ऑफ योर अपार्टमेंट डोर। बढ़िया है, इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। 506 रूम नंबर, 5 से शुरू हो रहा है, मतलब मुझे 5th फ्लोर तक जाना है। हियर इज माय रूम 506, नेट सिंपल रूम, खास लग्जरी नहीं है लेकिन परफेक्ट है। लोकेटेड एकदम पर्थ सीबीडी में ही। अब एक रूम का छोटा सा टूर मैं करा लेता हूँ। दो दिन के लिए मैं $230 दिया हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द किचन ऑन माय लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एक कवर्ड है, प्लेट, टोस्टर, खाना पकाने के लिए डिश से लेके एवरीथिंग, माइक्रोवेव, कॉफी मेकर, कॉफी, टी, अगर आपको मिल्क टी चाहिए तो ये देखिए फ्रिज में ये लोगों ने मिल्क भी रखा है। टॉयलेट, बाथटब में अकेले सोके वो मजा नहीं होता है, जो कि आगे आप समझ सकते हो। सिंगल बेड है अगर आप चाइल्ड के साथ आते हो, डबल बेड, एसी, बेलकोनी, सामने पूरा सीबीडी का व्यू। इसी ब्रिज से मैं पैदल क्रॉस करके आया, मिरर के रिफ्लेक्शन के वजह से वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। होटल सर्च करके देख लो, एकदम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा रेट में इतना सारा फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। रास्ते से आया, होटल में घुस गया, एक भी आदमी आप लोगों को दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा, चाबी लिया, रूम में घुस गया। अगर आप चेक इन टाइम से बाहर आ रहे हो विंटर सीजन में, सिंपल booking.com में इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये टाइम में आ रहा हूँ, प्लीज लेट मी नो द चेक इन प्रोसीडियर। डिटेल गाइडलाइंस बता देगा कैसे कीज कलेक्ट करना है। बस आज के लिए ब्लॉग खत्म करने का वक्त आ गया है। कुछ देर पहले मुझे एक मेल आया है कुआलालंपुर एयरपोर्ट से, पावर बैंक लेके रखा था वो आइटम को अपना आईडी प्रूफ ले जाके कलेक्ट करने के लिए जब मैं इंडिया के लिए वापस जाऊंगा। कोशिश करूंगा अगर मुझे वो पावर बैंक रिटर्न मिल जाए। एक्चुअल ऑस्ट्रेलियन साइट सीइंग एक्टिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट डे। आज का वीडियो इधर ही रैप अप करता हूं। बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, सायोनारा, टाटा।